जी सर, मैथ के क्वेश्चन कैसे आए थे आपके? मैथ के क्वेश्चन बहुत इजी आए थे और ये ग्राफ का क्वेश्चन आया था, थोड़ा डिफिकल्ट था। अच्छा, और रीजनिंग? और ये रीजनिंग बहुत इजी आए थे, जीके थोड़ा टफ थे। अच्छा, और साइंस में कैसे क्वेश्चन आए थे? साइंस में नॉर्मल थे, दो तीन क्वेश्चन आए थे। कुछ याद है? कुछ याद है? तेलंगाना का राज्यपाल पूछा था जी, अच्छा तेलंगाना का राज्यपाल था जी, और ये सरकारी समितियां का इसमें कहां गठन हुई थी, कितना अटेम्प्ट किया आपने? 87 आपने कितना अटेम्प्ट किया? कितना अटेम्प्ट किया आपने? अटेम्प्ट कितना किया आपने? 80 क्वेश्चन के पास 80 क्वेश्चन साल किया। चलिए, ऑल द बेस्ट। हेलो दोस्तों, ये हमारे सामने कैंडिडेट हैं जिन्होंने आज पेपर दिया है फर्स्ट शिफ्ट में। ऐसे पूछते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन आया था आपके पे? क्वेश्चन बहुत इजी थे, नॉर्मली थे, बस ये है टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। और जैसे मैथ क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं, जीएसबी क्वेश्चन आज इजी आ रहे हैं, लेकिन बस ये है कि पेपर में टाइम बहुत लग रहा है। साइंस क्वेश्चन याद है? साइंस का क्वेश्चन तो फिलहाल अभी प्रेजेंट टाइम याद नहीं, कि अभी निकला हूँ जल्दी जल्दी। अरे फिर भी जैसे तेलंगाना राज्यपाल पूछ रहा है, और बायोलॉजी के 3-4 क्वेश्चन थे, और केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन थे। जैसे कि करंट नॉर्मली सिर्फ एक करंट आई थी नवंबर की बस, बाकी और कोई करंट नहीं आई थी। रीजनिंग में नॉर्मली रीजनिंग ग्राफिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। मैथ क्वेश्चन जितने आ रहा है सब इजी क्वेश्चन है, लेकिन टाइम टेकिंग है, विदाउट सॉल्व के किए आंसर नहीं आएगा उसका। हमने 80 अटेंड किए। मैथ के क्वेश्चन कितने कैसे आए थे? मैथ में मतलब सरल करने के लिए आए थे, और मतलब हाइट एंड डिस्टेंस, और उसके बाद उसमें से आए थे, ट्रिग्नोमेट्री से आए थे। अच्छा अच्छा, साइंस में क्वेश्चन थे? साइंस के थे। कुछ याद है क्वेश्चन? एक केमिस्ट्री के थे। अच्छा याद थे, याद अच्छा, हिस्ट्री या पॉलिटी कुछ? कितना अटेम्प्ट किया था आपने? 45 अच्छा ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था। चलिए।